इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। पटना में आज चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। मीटिंग के बाद चिराग ने कहा कि वैसे तो वो बिहार में चल रही योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री से मिलते हैं, लेकिन आज की मीटिंग का एक महत्वपूर्ण मुद्दा पश्चिम बंगाल में बिहार के छात्रों की पिटाई का था। चिराग ने कहा कि भारत का संविधान हर शख्स को देश के किसी भी राज्य में जाकर शिक्षा, रोजगार और कारोबार की इजाजत देता है, लेकिन जिस तरह से बंगाल में बिहार के स्टूडेंट को पीटा गया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। को लेकर तो था ही, हमारे मंत्रालय के भी एक दो विषय थे जिसको लेकर मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई, पर सबसे महत्वपूर्ण विषय आज की तारीख में जिस तरीके से बंगाल में बिहार के छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की जा रही है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने हमेशा इस विषय को उठाने का काम किया कि दूसरे राज्यों में किस तरीके से बिहारियों को अपमानित किया जाता है। ऐसे में ये एक ऐसी शर्मनाक घटना जिसका वीडियो पिछले दो दिन से वायरल हो रहा है, जो कि अंदर तक आपको पीड़ा देती है कि आज भी क्षेत्रीयता के नाम पर इस तरीके से बर्ताव किया जाता है। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि कोई भी भारतीय देश के किसी भी कोने में जाके शिक्षा हासिल कर सकता है, रोजगार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। उसके बावजूद अगर ये मानसिकता किसी राज्य की है तो ये चिंता का विषय है। ये तमाम विषय मैंने मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दिए। इस बात की चिंता मेरे लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है कि कई ऐसे दल हैं जो उन्हीं के साथ गठबंधन में है। वेस्ट बंगाल की सरकार जिस दल की है, टीएमसी के साथ गठबंधन में इंडी अलायंस ये लोग बना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष इस मामले पे खामोश रहते हैं, इस पर वो कोई बात नहीं करते। क्या वो बताएंगे कि जिस दल के साथ वो गठबंधन में हैं वही दल के लोग किस तरीके से अपने ही लोगों पर, बिहारियों पर लाठी चला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसे में ये तमाम बातें मैंने मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में दी। खुशी मुझे इस बात की है, संतुष्टि इस बात की है कि स्थानीय प्रशासन ने तत्परता से इसके ऊपर कार्रवाई की। यहाँ के प्रशासन ने वहाँ के प्रशासन से भी संपर्क साधा है।